नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। 2024 लोकसभा चुनाव में अब बस कुछ ही महीने बचे हैं। मोदी सरकार से मुकाबला करने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया भी पूरे जोर लगा रहा है। सभी विपक्षी दल चार बार मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पा रही है और सीट शेयरिंग का मामला कांग्रेस के लिए ज्यादा मुश्किल लग रहा है। तीन राज्य ऐसे हैं जहां एक में कांग्रेस गठबंधन में है, तो वहीं बाकी दो राज्य में वो विपक्ष में है, लेकिन मोदी सरकार को हराने के लिए एक मंच पर आ गए हैं। ये तीन राज्य हैं पंजाब, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। पंजाब में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी टीएमसी के अकेले चुनाव लड़ने का इरादा जताया है। और महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी ने 23 सीटों की मांग कर दी है, जिससे सीटों का बंटवारा और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में इंडी गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग सिरदर्द बन गया है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अकेले लड़ेगी। उन्होंने देश भर में इंडिया ब्लॉक गठबंधन का हिस्सा बने रहने की बात तो जरूर कही है, लेकिन कहा है कि बंगाल में सीटों का बंटवारा और कांग्रेस या वामपंथी मोर्चा से गठबंधन नहीं किया जाएगा। ममता ने यह साफ कर दिया कि बंगाल में सिर्फ टीएमसी ही बीजेपी को हरा सकती है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस अकेले लड़ी थी और सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी, जबकि टीएमसी ने 22 सीटें जीती थी। इस बार ममता का अकेले लड़ने का ऐलान बंगाल की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। उधर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने विपक्ष से 23 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की है, लेकिन कांग्रेस को यह मंजूर नहीं है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शरद पवार का एनसीपी गुट और उद्धव गुट वाली शिवसेना गठबंधन में है, लेकिन यूबीटी ने लोकसभा सीटों का एक बड़ा हिस्सा मांग लिया है। पार्टी ने 23 सीटों की मांग की है, लेकिन कांग्रेस ने इस मांग को खारिज कर दिया है। वरिष्ठ महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता अशोक चव्हाण ने मांग को ज्यादा करार देते हुए कहा कि पार्टियों के बीच समझौता होना जरूरी है। उन्होंने कहा, जबकि हर पार्टी ज्यादा सीट चाहती है, मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए शिवसेना की 23 सीटों की मांग ज्यादा थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और एनसीपी साथ मिलकर लड़े थे। 48 सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी, जबकि एनसीपी ने 4 सीटें जीती थी। शिवसेना और बीजेपी ने भी 2019 का चुनाव साथ लड़ा था। बीजेपी ने 23 सीटें जीती थी और शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी। वहीं पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी आलाकमान को साफ बता दिया है कि वो 2024 के लोकसभा चुनावों में अकेले लड़ना चाहते हैं। 26 दिसंबर को हुई एक अहम बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं और पंजाब के दिग्गजों के बीच यही राय सामने आई। बैठक में सीटों के बंटवारे पर मंथन हुआ, जिसमें कांग्रेस के 30 से ज्यादा नेता मौजूद थे। बैठक के बाद विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि आलाकमान ने उन्हें सुन लिया है और पार्टी के हितों का ख्याल रखा जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 17 दिसंबर को पंजाब के भटिंडा में एक रैली की थी। केजरीवाल ने लोगों से पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की थी, जिससे यह संकेत मिले कि इंडी गठबंधन में सहयोगी कांग्रेस के साथ सीट बंटवारा होने की उम्मीद कम है। तो अब देखना यह है कि कांग्रेस पंजाब में क्या रणनीति बनाती है और आम आदमी पार्टी अकेले लड़कर क्या कमाल दिखाती है। बता दें कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी का किसी से गठबंधन नहीं है, वो सिर्फ इंडी गठबंधन का हिस्सा है और अकेले दम पर लड़कर ही आम आदमी पार्टी दोनों राज्यों में सत्ता में है। अब एक तरफ जहां इंडी गठबंधन बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का ऐलान कर रहा है, वहीं इन राज्यों में इंडी के घटक दल एक दूसरे को ही राज्यों से बाहर करने पर तुले हैं। आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।